हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयथान, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयथान में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट। पहले प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कुल 4 पार्ट दिए गए हैं, यानी 4 भाग दिए गए हैं। इस वीडियो में हम 2 भाग करेंगे और बाकी 2 भाग जो हैं हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो इसलिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो आने पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो पहला भाग में दिया गया है समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। जो प्रतिस्थापन विधि है वो हम एक्सरसाइज 3.3 में कर चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पे नहीं दोहराएंगे। इस वीडियो में हम केवल विलोपन विधि से ही दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करेंगे। तो विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि में जो दिए गए समीकरण युग्म हैं, इन दोनों में से x या y किसी एक के दोनों गुणांक बराबर करके फिर हमने हल करना है। हम देखते हैं, यदि x का गुणांक भी 2 हो जाए और y का, x का यहां भी गुणांक 2 है, तो यदि इन दोनों के चिन्ह समान हैं तो इन दोनों को घटा देंगे और ये पद विलोपित हो जाएगा और दूसरे पद का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर y का जो मान प्राप्त होगा वो समीकरण एक में रख देंगे तो विलोपित पद का मान भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि x को विलोपित किया जाए, हम y को भी विलोपित कर सकते हैं। और यदि y को विलोपित जब करें तो यदि इन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो इनको जोड़ना पड़ेगा, और यदि इन दोनों के चिन्ह समान हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो हमेशा घटाना पड़ता है। और जिस पद को हम विलोपित कर रहे हैं उन दोनों के चिन्ह यदि समान हैं तो हमेशा घटाना पड़ेगा, चाहे वो प्लस प्लस के हो चाहे वो माइनस माइनस के हो। तो आइए विलोपन विधि से प्रश्न एक के पहले भाग के समीकरण युग्मों का हल करते हैं। तो समीकरण एक में y का गुणांक जो है वो 1 है और समीकरण 2 में y का जो गुणांक है वो 3 है, तो हम -3 है, चिन्ह नहीं देखना, सिर्फ न्यूमेरिकल संख्या देखनी है। तो यहाँ 3 दिया हुआ है तो समीकरण 1 के अंदर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। अब हम जो समीकरण हमारे पास दूसरा दिया गया है, समीकरण जो दूसरा है इसमें किससे गुणा करें कि y का गुणांक समान हो, तो हमारे पास ये भी 3 है ये भी 3 है, तो हमें सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्रत्येक पद को जो दिए गए हैं। तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2x ही प्राप्त होगा, माइनस 3y को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही मिलेगा इज इक्वल टू 4। तो ये पहला हमारे पास तीसरा समीकरण मिला और ये हमारे पास चौथा समीकरण प्राप्त हुआ। अब जिन पदों का हमने गुणांक यानी कोफिशियंट सेम किए हैं, बराबर किए हैं, अब इनके दोनों के चिन्ह देखते हैं, ये हमारे पास प्लस है ये माइनस है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि समीकरण 3 में समीकरण 4 को हमें जोड़ना होगा। तो समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर अब इनको जोड़ के देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, तो हमारे पास 4 समीकरण क्या दिया गया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ना है, तो जोड़ने पर ये प्लस और माइनस के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये 3x प्लस 2x में जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 19। तो
So that implies x is equal to 19 by 5. ये हमारे पास एक पद को विलोपन करने पर दूसरे पद का मान बराबर दूसरे चर का मान हमें प्राप्त हो गया। तो x बराबर हमारे पास 19 by 5 है। अब ये जो मान है x का जो मान हमें वैल्यू जो मिली है इन दोनों में किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो हम समीकरण एक में रखते हैं। अब x इक्वल टू 19 by 5 समीकरण कौन से समीकरण में एक में समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रखते हैं तो समीकरण एक क्या कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास समीकरण दिया गया है पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें x की वैल्यू हम क्या पुट कर दें x की वैल्यू पुट कर देते हैं 19 by 5 इज इक्वल टू 5। That implies y is equal to 5 minus 19 by 5. LCM minus plus 5y, 5 into 5, 25 minus 19. Therefore, y is equal to हमें मिला 6 by 5. इस प्रकार हमने दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के विलोपन विधि से हल करने पर x की हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 19 by 5 हुई है और y is equal to क्या है 6 by 5 ही है। आप लिख सकते हैं तो इस प्रकार दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। कौन कौन से हल हैं x बराबर हमारे पास क्या मिला है 19/5 यानी 19/5 और y की जो हमें हल मिला है वो क्या मिला है y is equal to 16/5। तो इस प्रकार हमने विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए प्रश्न संख्या एक के पहले भाग का हल निकाल लिया। तो अब हम दूसरा भाग लेते हैं। दूसरे भाग में हमारे पास जो समीकरण दिए गए हैं वो क्या है समीकरण दिए गए हैं हमारे पास 3x plus 4y is equal to 10। क्या है 3x plus 4y is equal to 10। ये हमारे पास पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है 2x minus 2y is equal to 2। ये हमारे पास है दूसरा समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें भी हम y के गुणांक बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है तो पहले समीकरण में हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 रह जाएगा और समीकरण 2 को यदि हम 2 से यानी 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो इट मीन y के जो दोनों समीकरणों के जो गुणांक हैं वो समान हो जाएंगे। तो समीकरण एक को किससे गुणा करनी है एक से तो हमें क्या मिलेगा 3x plus 4y is equal to 10। ये हमारे पास थर्ड समीकरण है और समीकरण सेकंड में हम मल्टीप्लाई करते हैं किसे 2 से तो क्या आएगा हमारे पास 4x minus 4y is equal to 4। ये हमारे पास फोर्थ समीकरण है। ये हमारे पास फोर्थ समीकरण एक को हमने गुणा किया एक से तो हमें प्राप्त हुआ 3x plus 4y is equal to 10। ये हमारे पास थर्ड समीकरण है और अब हम समीकरण जो सेकंड है उसको मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं ताकि हमारे पास y के जो गुणांक है वो समान हो जाएं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x minus 2y को किया तो 4y जो 2 है तो 2 किया तो 4। इस प्रकार हमारे पास थर्ड और फोर्थ समीकरण प्राप्त हो गए। अब हम देखते हैं कि जिनके गुणांक हमने बराबर किए हैं इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं। चिन्ह दोनों के क्या हैं अलग अलग हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो
समीकरण तीन में चार जोड़ने पर। हम समीकरण तीन में कौन सा समीकरण जोड़ रहे हैं? चार जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास टेन फोर एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू फोर। तो इन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसे जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। थ्री एक्स प्लस फोर एक्स कितना हो जाएगा? सेवन एक्स इज इक्वल टेन प्लस फोर कितना हो जाएगा? फोर्टीन। दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन बाय सेवन, और ये कैंसिल हो गया टू से। तो इस प्रकार हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? दो, यानी टू प्राप्त हुई। तो विलोपन विधि से एक पद को विलोपित करके हमने दूसरे का मान निकाल लिया, और दूसरा चर हमारे पास x है, उसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास? 2। अब ये जो x का मान जो आया है 2, वो किसी भी एक समीकरण में रखेंगे और विलोपित पद का मान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास है पहले, अब देखते हैं, अब x बराबर 2 समीकरण एक में, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखते हैं। एक समीकरण क्या है हमारे पास? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं इसमें, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दैट इंप्लाइज 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और 6 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 4y 10 माइनस 6, तो 4y इज इक्वल टू 4, एंड देन y इज इक्वल टू 4 बाय 4, तो दैट इंप्लाइज y की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1, 4 से को कैंसिल हो गया। इस प्रकार हमने विलोपित जो चर था, पद था, उसका मान हमारे पास y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस प्रकार विलोपन विधि से हमने दूसरे भाग को हल किया, जिसमें x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। तो अतः दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है, क्या हल है हमारे पास? x बराबर 2 है, x बराबर 2 और y बराबर हमारे पास 1 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमने विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए प्रश्न 1 के भाग पहला व दूसरा हल किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और प्रतिस्थापन विधि से जो हमने इसमें हल नहीं किया, वो आपने एक्सरसाइज 3.3 में कर चुके हैं, तो वो वीडियो देख करके आप पुनः उसको समझ सकते हैं, यदि आपको उसमें से समझ में नहीं आया तो। और इस प्रश्न के जो बाकी दो भाग हैं, वो अगले वीडियो में हम समझेंगे। उसके लिए आपके अपने YouTube चैनल अनिल आयतान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।